मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में माता रानी का एक ऐसा मंदिर है जहां पर नारियल चढ़ाने से आपकी सारी मनोकामनाएं पूरी होती हैं। यह मंदिर 40 साल से भी ज़्यादा पुराना है, तो चलिए बात करके जानते हैं इस मंदिर के इतिहास के बारे में और साथ ही इस मंदिर का निर्माण कैसे और कब हुआ इसके बारे में। मेरा नाम रमेश कुमार सैनी है। तो ये जो कर्फ्यू वाली माता मंदिर है, इसका नाम कर्फ्यू वाली माता मंदिर क्यों पड़ा? क्योंकि यहाँ पर नवरात्रि के पहले जब माता जी की स्थापना मट्टी की मूर्ति के सामने हुई थी और उस टाइम में शासन ने यहाँ पर रखने की इजाजत नहीं दी। शासन से झगड़े के पीछे एक महीने यहाँ कर्फ्यू लगा रहा, पूरी भोपाल की जनता जेल गई, सीहोर, छावर, भोपाल, विदिशा सब जगह के लोग जेल गए। तब एक महीने बाद अर्जुन सिंह ने स्थापना की इजाजत दी और रात्रि के 3 बजे जेल खोल के जितने बंद थे सबको छोड़ा और 5 बजे खुद अर्जुन सिंह ने आके स्थापना की। ये मंदिर कितने समय में बनकर तैयार हुआ है? ये मंदिर का काम 1982 से चल रहा है और अभी भी बनता जा रहा है और काम चल रहा है। और आप इस मंदिर से कब से जुड़े हुए हैं? मैं इस मंदिर का शुरू से जुड़ा हुआ हूँ। पहले मैं कार्यवाहक का अध्यक्ष था, आज 41 साल से आज मंदिर का अध्यक्ष हूँ। तो इस मंदिर को कहा जाता है पूरी तरह स्वर्ण से बना हुआ है। ये अंदर पूरा जो है तांबे के ऊपर पूरा सोना है और कलश ऊपर जो है 5 किलो का कलश है सोने का, 150 किलो का गेट है चांदी के, पीछे षड्यंत्र जो लगा हुआ है 30 किलो का षड्यंत्र है चांदी का जिसके ऊपर षड्यंत्र लगा हुआ है और पूरा मुकुट जो है सब सोने के। तो ये कितने साल पुराना मंदिर है? पूरे 41 साल जो होने को है, नवरात्रि के अंदर 41 साल हो रहा है और नवरात्रि की छठ को माता जी की बर्थडे मनाई जाएगी। उस दिन 15 तोले का माता जी को हार धारण करा रहे हैं, छोटी माता जी को 2 तोले का हार धारण कराया जा रहा है। तो जैसे यहाँ की मान्यता क्या होगी? यहाँ जो मानता है, यहाँ श्रीयंत्र की स्थापना है, जगत गुरु ठकुरदास सौरभ निरंजन जी ने स्थापना की है, उनके द्वारा यहाँ कलश स्थापना की है, उन्होंने यहाँ पर यह मंदिर में गेट की स्थापना की है, सारे उन्हीं के हाथ से और जो जो मांगता है यहाँ पर आज तक पूर्ण होता है। हम कभी अभी किसी के पास दान मांगने नहीं गए, 1-1 रुपए से पूरा मंदिर निर्माण मंदिर बनाया, पूरा संगमरमर का ऊपर से नीचे तक है। अच्छा, ये पूरा मंदिर? जी। और इस मंदिर की और क्या खासियत है? जो मांगता है वो मिलता है, सब मुरादें पूरी होती है। अभी 1 किलो को छतरा आया सोने का, ये चांदी का भी लगा हुआ हमने, और अब ये नौलखा हार बन रहा है तो करना 15-16 लाख का खर्चा है, ये सब ये जनता ही दे रही है। कुल 1 महीने में अभी ये तैयारी चल रही है। तो इस मंदिर का इतिहास, जैसे इसको बनाने निर्माण करने का ख्याल किसको आया और कैसे कब आया? यहाँ पर पहले मंदिर माता जी की मूर्ति मट्टी की स्थापना वो भी हम ही करते थे, कई बार यहाँ पर माफी नहीं निकल नहीं सकती की जहाँ का माहौल बहुत गंदा था, नवाब भोपाल का शासन था उस टाइम में। हम लोगों ने समझ के 4-6 लड़कों ने बैठ के विचार किया तो हमन ने जो मूर्ति मूर्ति रखते थे उसके सामने ये माता जी मूर्ति रखी, पंचमी के रोज इसके ये उठा के लेगा यहाँ से, शासन 1 महीने कर्फ्यू रहा, उसके बाद इसकी स्थापना हमने पंचमी को की है, इसलिए छठ को माता जी का बर्थडे मनाते हैं। जब से मंदिर की स्थापना हुई तब से यहाँ पर अखंड ज्योत जल रही है, ये करीब 41 साल हो गए हैं। इसमें एक तेल की है और एक घी की ज्योत है, 3 रुपये तेल के और 3 रुपये घी के हर 6 महीने में लगते हैं, जो 41 साल लगा चला रहे हैं। ये जोत कौन चलाता है? यह हमारे पंडित जी, हमारे जगत गुरु साहब ने चालू करी है, तब से यही चल रही है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।